आज आधी रात से देश में एक टैक्स सिस्टम लागू हो जाएगा। संसद के सेंट्रल हॉल से देश की बड़ी हस्तियों की मौजूदगी में पीएम आज जीएसटी लॉन्च करेंगे। देश के सबसे बड़े आर्थिक सुधार को लागू होने में करीब 8 घंटे का वक्त बचा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात 12 बजे संसद के ऐतिहासिक सेंट्रल हॉल में घंटी बजाकर एक देश एक कर की व्यवस्था जीएसटी को लागू करेंगे। आज होने वाले कार्यक्रम के लिए सरकार ने भव्य तैयारियां की हैं, जबकि कांग्रेस ने इस कार्यक्रम का विरोध करने का ऐलान किया है। कांग्रेस ने इस कार्यक्रम को तमाशा बताते हुए आज़ादी के आंदोलन का अपमान बताया है। जीएसटी बेहतर है, मगर जिस तरीके से लागू की जा रही है और जिस रूप में लागू की जा रही है वो जो है देश की अर्थव्यवस्था के लिए और आम व्यापारी के लिए नुकसानदायक है। कांग्रेस के अलावा आरजेडी और सीपीआई ने भी कार्यक्रम के बहिष्कार का फैसला किया है, जबकि तृणमूल कांग्रेस पहले ही कार्यक्रम में नहीं शामिल होने का ऐलान कर चुकी है। हालांकि समाजवादी पार्टी और जेडीयू ने आज होने वाले कार्यक्रम में हिस्सा लेने का फैसला किया है। चूंकि महामहिम राष्ट्रपति आ रहे हैं, इस बारे हम लोगों ने जाने को तय किया है, लेकिन जीएसटी के हम विरोध में हैं। हमारा मानना जीएसटी काला कानून है। ईस्ट इंडिया इस कंपनी को लाने के लिए जीएसटी बनाया गया है। आम व्यापारी छोटा बड़ा सब उससे प्रताड़ित है। बिहार कंज्यूमर स्टेट है और इसको इससे राजस्व की का लाभ होता है कई हजार करोड़ रुपए का। तो बिहार में जीएसटी लागू करने को लेकर के कोई विरोध की गुंजाइश नहीं बच सकती है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने जीएसटी को नए युग की शुरुआत बताया है और इसकी खूबियों को अलग अंदाज में बयां किया। पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन चढ़ते जाना, सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना। संसद में आज होने वाले कार्यक्रम में महानायक अमिताभ बच्चन, भारत रत्न लता मंगेशकर सहित देश की कई नामी गिरामी हस्तियां भी मौजूद रहेंगी। पहले भी 3 बार संसद के सेंट्रल हॉल में आधी रात को कार्यक्रम हुए हैं। 14 अगस्त 1947 को आजादी का जश्न मनाने के लिए आधी रात को संसद में कार्यक्रम, 14 अगस्त 1972 को आजादी के 25 साल पूरे होने पर आधी रात को संसद में कार्यक्रम, 14 अगस्त 1997 को आजादी के 50 साल पूरे होने पर आधी रात को संसद में कार्यक्रम। जीएसटी लागू होने के बाद देश में अलग अलग तरह के लगने वाले 17 टैक्स खत्म हो जाएंगे और सिर्फ एक टैक्स लगेगा। जीएसटी लागू होने से पहले एक तरफ देश के कई इलाकों में व्यापारियों का विरोध प्रदर्शन चल रहा है, तो वहीं बाजार में खरीदारों की भीड़ बढ़ गई है। जीएसटी लागू होने में करीब 8 घंटों का वक्त बाकी है, लेकिन देश भर में जीएसटी के विरोध में प्रदर्शनों का सिलसिला अब भी जारी है। देश के अलग अलग हिस्सों में व्यापारियों ने जीएसटी के मौजूदा स्वरूप का विरोध किया और सरकार से मांग की कि वो जीएसटी में न सिर्फ बदलाव करे बल्कि इसे लागू करने के लिए थोड़ा और वक्त दे। कानपुर में लोगों ने ट्रेन रोककर अपना विरोध दर्ज कराया, तो पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में व्यापारियों ने खुद को चेन से बांधकर जीएसटी का विरोध किया। भोपाल, विजयवाड़ा और जोधपुर में भी बड़ी संख्या में व्यापारी जीएसटी के विरोध में सड़कों पर उतरे। व्यापारी जीएसटी को सरलीकरण करने की मांग कर रहे हैं और उसको अभी 6 महीने और टालने की मांग कर रहे हैं, लेकिन जो है छोटे व्यापारियों पर कंप्यूटर का बोझ लादा जा रहा है, जो कि अभी उनको उसकी जानकारी पूरी तरह से नहीं है। हम जीएसटी का स्वागत करते हैं, लेकिन वर्तमान स्वरूप जटिलताओं और खामियों भरा है। इसका हम विरोध कर रहे हैं और हर हाल में हमारा प्रधानमंत्री जी से, माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन है कि सरल जीएसटी लाएं, जटिलताओं को खत्म करें। साल भर में 37 रिटर्न भरना, लिखा पढ़ी करना और इसके अलावा जुर्माने और सजा का प्रावधान, वो जो चीजें कर मुक्त थी, शकर जैसी चीज पे कुल 1% लगता था, आज आपने 5% लगा दिया है। आवश्यक वस्तुओं में करारोपण करना, ये सारी बातें जो है व्यापारी को बहुत परेशान करता है। जीएसटी के विरोध के बीच इसके लागू होने से पहले बाजारों में खरीदारों की भीड़ बढ़ गई है। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग अपनी जरूरतों की चीजें खरीदते दिखाई दिए। जीएसटी लागू होने के बाद एसी रेस्टोरेंट में खाना सस्ता होगा, पोस्टपेड मोबाइल बिल पहले से महंगा हो जाएगा, एजुकेशन और हेल्थ सर्विसेज पर 0% जीएसटी लगेगा। और देश भर में विरोध के साथ ही कई इलाकों में जीएसटी के समर्थन में भी प्रदर्शन किया गया।
सिक्किम सीमा पर भारत चीन के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए भारत ने नाथुला के रास्ते कैलाश मानसरोवर की यात्रा रद्द कर दी है। नाथुला रास्ते से यात्रा रद्द करने के साथ ही भारत ने चीन को कड़े शब्दों में जवाब भी दिया है। चीन को दिए जवाब में विदेश मंत्रालय ने कहा है कि 16 जून को चीन के सैनिकों ने डोकलम इलाके में भारतीय सीमा में घुसकर जबरन सड़क निर्माण का काम शुरू किया था, जिसका भारतीय सैनिकों ने विरोध किया। भारतीय सैनिकों ने चीन के सैनिकों को वहां से हटने की गुजारिश की थी और 16 जून 2017 की स्थिति में लौट जाने को कहा था। विदेश मंत्रालय के मुताबिक चीनी सैनिकों की इस हरकत का मुद्दा भारत ने चीन के साथ कूटनीतिक स्तर पर भी उठाया था। नाथुला में 20 जून को दोनों देशों के बीच हुई बातचीत में यह मुद्दा उठाया गया था। भारत और चीन के बीच बातचीत से पहले ही चीनी सेना ने कैलाश मानसरोवर जाने वाले यात्रियों का पहला जत्था नाथुला दर्रे के पास रोक दिया। अब भारत सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए इस साल नाथुला के रास्ते मानसरोवर की यात्रा को ही रद्द कर दिया है। कैलाश मानसरोवर तिब्बत में स्थित एक झील है जिसे हिंदू और बौद्ध समुदाय पवित्र मानता है। सिक्किम के नाथुला और उत्तराखंड के लिपुलेक के रास्ते कैलाश मानसरोवर की यात्रा की जाती है। विदेश मंत्रालय हर साल जून से सितंबर के दौरान यात्रा का आयोजन करता है। विदेश मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट पर यात्रा रद्द होने की जानकारी देते हुए श्रद्धालुओं को दिल्ली न आने की सलाह दी। पाकिस्तान ने एक बार फिर से सीज फायर तोड़ा है। जम्मू कश्मीर के बालाकोट में पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की गई। पुंछ के बालाकोट सेक्टर में सुबह 4:30 बजे फायरिंग की गई। पाकिस्तान ने LOC के पास भारतीय चौकियों पर फायरिंग और मोर्टार दागे, रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया। फायरिंग में एक महिला घायल हो गई जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नशीम अख्तर नाम की इस महिला के घर के पास मोर्टार फटा था। गांव में कुछ और इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। पाकिस्तान की इस नापाक हरकत का भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। पिछले कई दिनों से पाकिस्तान लगातार युद्ध विराम का उल्लंघन कर रहा है। पाकिस्तानी सैनिकों ने कल भी पुंछ में नियंत्रण रेखा के पास भारतीय चौकियों और रिहायशी इलाकों में फायरिंग की थी, जिसमें भारतीय सेना के 2 जवान घायल हो गए थे। पाकिस्तान की तरफ से जारी फायरिंग की वजह से स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। इस महीने में पाकिस्तान की तरफ से 23वीं बार युद्ध विराम का उल्लंघन किया गया है। बुधवार शाम को भी जम्मू कश्मीर के भीमबर गली सेक्टर में पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया। पाकिस्तान ने बीते 12 महीनों में 269 बार संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है। पाकिस्तान ने उरी सेक्टर में भी फायरिंग की। भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। पीएम मोदी के 2 दिनों के गुजरात दौरे का आज आखिरी दिन है। पीएम आज शाम करीब 6:30 बजे दिल्ली वापस लौटेंगे। अपने गुजरात दौरे के दूसरे दिन आज पीएम मोदी ने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। पीएम ने मोडासा में 2 जल परियोजनाओं का उद्घाटन किया, जबकि अरावली में 1 वाटर सप्लाई सिस्टम की शुरुआत की। पीएम मोदी ने आदिवासी और युवाओं को संबोधित किया और कहा कि मोडासा में भगवान बुद्ध का स्मारक बनाया जाएगा। इस दौरान पीएम ने कांग्रेस पर किसानों को धोखा देने का आरोप लगाया। इससे पहले कल साबरमती में पीएम मोदी ने गौरक्षा के नाम पर हिंसा करने वालों को कड़ी चेतावनी दी। गाय के नाम पर किसी की हत्या की जाए वो कानून का काम करेगा, इंसान को कानून हाथ में लेने का हक नहीं। देशवासियों से आग्रह करूं, हिंसा समस्याओं का समाधान नहीं। अपने गुजरात दौरे के पहले दिन कल पीएम ने बारिश के बीच राजकोट में 9 किलोमीटर लंबा रोड शो भी किया। इसके साथ ही पीएम ने राजकोट में सामाजिक अधिकारिता शिविर में भी हिस्सा लिया, जहां दिव्यांग जनों को उनकी जरूरत के उपकरण बांटे गए। 2017 में प्रधानमंत्री मोदी का ये 5वां गुजरात दौरा है। गुजरात में इस साल के आखिर में ही विधानसभा चुनाव होने हैं। पीएम ने जिन 2 वाटर सप्लाई प्लांट की शुरुआत की वो 552 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुए हैं। और गुजरात के गांधीनगर में टेक्सटाइल इंडिया 2017 प्रदर्शनी में पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त वहां मौजूद लोगों को संबोधित कर रहे हैं। सीधे वहीं आपको लिए चलते हैं। मेड ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट हैज रिपील ओवर 1200 आउटडेटेड लॉज। एक दिन में 1 से ज्यादा कानून मैंने खत्म किए हैं। दीज आर जस्ट ए फ्यू एग्जाम्पल्स।
Consequently, India has moved up by 32 places in the last 2 years in the Global Competitiveness Index of the World Economic Forum. This is the highest for any country. India moved up 19 places on the World Bank Logistic Performance Index of 2016. We have also moved up 16 places on the Global Innovation Index of the World Intellectual Property Organization in 2016. We are third among the top 10 FDI destinations listed by the United Nations Conference of Trade and Development. Based on the Make in India initiative, the organized textile industry is being infused with the mantras of skill, scale, speed, and zero effect for scaling up employment, production, and exports. We have one of the most liberal investment policies for foreign investment in the textile and apparel sector. We allow 100% FDI through automatic route in textile and apparel sector. Ladies and gentlemen, the textiles industry has a pivotal position in the Indian economy. It is strong and competitive across the value chain. India has an abundant supply of raw material like cotton, wool, silk, jute, and man-made fiber. In fact, it is the world's largest producer of cotton and jute and second largest producer of man-made fiber. दार्जिलिंग में बंद का आज 22वां दिन है। बीती रात कई जगहों पर हिंसा भड़क गई। कल रात हंगामे के बाद से लापता दोनों पुलिस वालों को बरामद कर लिया गया है। दोनों पुलिस वालों की हालत गंभीर है और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बीती रात दार्जिलिंग के तीस्ता वैली इलाके में हमलावरों ने रोंगली थाने पर धावा बोल दिया था। हमला करने वालों ने पुलिस वालों से रिवॉल्वर और एक SLR छीन ली थी। इस हमले में 5 पुलिस वाले गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उपद्रवियों ने मिरिक नगर पालिका के उपाध्यक्ष MK जिम्बा के घर को भी आग लगा दी। हमले के वक्त जिम्बा घर पर ही थे और उनको चोटें भी आई हैं। तीसरी घटना भी मिरिक में हुई है, जहां उपद्रवियों ने कृषि विभाग की बिल्डिंग को आग लगा दी। पुलिस को शक है कि इन तीनों घटनाओं के पीछे गोरखा जनमुक्ति मोर्चा का हाथ है, लेकिन GJM ने इन घटनाओं में अपना हाथ होने से इनकार किया है। पिछले 22 दिनों से दार्जिलिंग में हालात बिगड़े हैं। बंद के कारण बाजार और दुकानें बंद हैं। विपक्ष का कहना है कि BJP अपने फायदे के लिए दार्जिलिंग को चला रही है। गोरखालैंड के समर्थक ये BJP के साथ हैं। बंगाल को अस्थिर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से षड्यंत्र कर रही है। हमें लगता है दार्जिलिंग को अलग राज्य बनाने का जो आंदोलन है, कहीं ना कहीं BJP उसको हवा दे रही है। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा अलग गोरखालैंड बनाने की मांग कर रहा है। बंगाली भाषा को अनिवार्य करने का भी विरोध हो रहा है। हिंसा में 3 प्रदर्शनकारियों और पुलिस के एक कमांडेंट की मौत हो चुकी है। बंद की वजह से दार्जिलिंग में जरूरी चीजों की भी भारी किल्लत है। ममता बैनर्जी ने केंद्र सरकार पर दार्जिलिंग मामले को तूल देने और राज्य के विभाजन की साजिश रचने का आरोप लगाया है। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश और भूस्खलन का असर अमरनाथ यात्रा पर पड़ा है। श्रद्धालुओं के तीसरे जत्थे को फिलहाल जम्मू में ही रोका गया है। जम्मू कश्मीर में हो रही बारिश और भूस्खलन की वजह से अमरनाथ यात्रा को तत्काल रोक दिया गया है और यात्रा को फिर से शुरू कराने के लिए प्रशासन युद्ध स्तर पर काम में जुट गया है। अभी यात्रा जम्मू में ही रुकी हुई है। इसके आगे रामबन में, पंथाल में पत्थर आए हुए हैं, वहाँ भी बोर्डर आए हैं, जिसकी वजह से रास्ता बंद है। अभी रास्ता क्लियर कर रहे हैं। कश्मीर के रामबन और उधमपुर में भूस्खलन की वजह से करीब 300 किलोमीटर लंबे जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात रोक दिया गया। भूस्खलन की वजह से अमरनाथ यात्रा पर निकले तीसरे जत्थे को भी फिलहाल जम्मू में रोका गया है।
उधमपुर जिले के बाली नाला के पास बड़ा भूस्खलन हुआ है, जबकि रामबन के नाशरी सुरंग के पास भी मामूली भूस्खलन हुआ है। दोनों ही जगहों पर बीआरओ के कर्मचारी रास्ता साफ करने में जुटे हैं। हमें यहाँ पर आने के बाद में सूचित किया गया सीआरपीएफ की तरफ से और जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से और यहाँ के यात्रा प्रबंधन की तरफ से कि यहाँ पर यात्रा स्थगित की गई है केवल एक दिन के लिए, क्योंकि यहाँ पर ऊपर लैंडस्लाइड हो चुका है रामबन की तरफ और बनियाल की तरफ पे। तो हम लोगों ने यहाँ पे ये सबको पूछा और बताया गया हमें कि जैसा कि अभी जैसे ही रास्ता खुल जाएगा तो कल तक यात्रा स्टार्ट हो जाएगी। इसी बीच यात्रा पर निकले श्रद्धालुओं की सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। यात्रा पर हमले की आशंका को देखते हुए पूरी यात्रा के रास्ते पर सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। इस साल अमरनाथ यात्रा 29 जून से शुरू हुई है। यात्रा के पहले दिन श्रद्धालुओं के दो जत्थे पवित्र गुफा तक पहुंचे। अब तक 6097 श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं। इस साल अमरनाथ यात्रा 48 के बजाय 40 दिनों की होगी। 7 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन अमरनाथ यात्रा समाप्त हो जाएगी। लगातार हो रही बारिश की वजह से रास्ते को साफ करने के काम में जुटे कर्मचारियों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बच्चा चोरी के शक में मानसिक तौर से कमजोर महिला की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। हैरान करने वाली ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद की हैं। देखिए कैसी ये उन्मादी भीड़ एक महिला को हाथ पैर से बांध कर पीट रही है। जिस वक्त महिला के साथ ये वारदात हुई उस वक्त वहाँ सैकड़ों लोग मौजूद थे, लेकिन किसी ने महिला को नहीं बचाया। बीच बीच में कुछ महिलाएं जरूर हाथ हिलाकर भीड़ को रोकने की कोशिश करती नजर आई, लेकिन भीड़ पर उसका कोई असर नहीं हुआ। दरअसल उत्तरा बीबी नाम की ये महिला मानसिक तौर पर बीमार थी और पास के ही गांव की रहने वाली थी। ये महिला सिकंदरा इलाके में एक घर में घुस गई थी। 18 साल की एक लड़की ने महिला को देखकर चिल्लाना शुरू कर दिया, जिसके बाद गांव वालों ने महिला को पकड़ लिया। गांव वाले महिला को बच्चा चोरी के शक में हाथ पैर बांध कर 3 घंटे तक पीटते रहे। लोगों ने महिला को कार से बांध दिया। 3 घंटे बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर महिला को छुड़ाया, लेकिन अस्पताल में महिला ने दम तोड़ दिया। 19 जून 2017 को ओडिशा के मयूरभंज में मानसिक रूप से कमजोर दो भाइयों की बेरहमी से पिटाई की गई। 24 जून 2017 को यूपी के हाथरस में दो महिलाओं को भीड़ ने पीटा। 7 जून 2017 को बिहार के शेखपुरा में 30 साल के व्यक्ति की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। 19 मई 2017 को झारखंड के खरसावां जिले में बच्चा चोरी के शक में 3 लोगों की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। पूरे मामले में पुलिस पर भी लापरवाही का आरोप लग रहा है। आरोप है कि सूचना मिलने के बाद भी पुलिस वक्त पर नहीं पहुंची। दिल्ली एनसीआर में सुबह से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। कई जगह पानी भरने से जाम भी लग गया है। दिल्ली एनसीआर में बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली। तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई। सुबह सुबह बारिश होने से लोगों को कुछ दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। मौसम विभाग का ये कहना है कि बारिश इस पूरे हफ्ते इस तरह से रुक रुक कर हो सकती है और इस बारिश की वजह से तापमान में भी गिरावट देखी जा रही है। कई जगह बारिश आफत बनकर भी आई। फरीदाबाद में बारिश के बाद बिजली का खंभा गिर गया और करंट लगने से 28 साल के एक व्यक्ति की मौत हो गई। सड़कों में गड्ढे होने की वजह से ट्रैक्टर और ट्रक फंस गए और ड्राइवर्स की जान बाल बाल बची। तो मेरा भाई एक्सपायर हो गया है, वो बिजली के कारण बिजली के तार टूटे हुए थे पानी में, बिजली वालों की कमी के कारण और नगर निगम वालों की कमी के कारण। अभी आज सुबह 6:30 बजे एक्सपायर हो गया है। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनको तो ये भी पता है कि चलो यहाँ गड्ढा है, लेकिन बाहर से जो ये आपके सामने का ट्रक घुसा पड़ा है उनको बेचारों को कुछ कोई मालूम नहीं है। यहाँ से आगे स्कूल खुलने वाले हैं, बच्चों को आने जाने में भी दिक्कत आएगी, किस तरह से बच्चों को स्कूल ले जाया जाएगा। वहीं एमपी के छिंदवाड़ा में भी भारी बारिश से लोगों का बुरा हाल है। तेज बहाव में एक कार फंस गई। देखते ही देखते पानी का तेज बहाव कार को बहा ले गया। ये पूरी घटना मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। मुंबई में बारिश की वजह से निचले इलाकों में पानी भर गया। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में बारिश के बाद जलभराव हो गया। निचले इलाकों में बने घरों में पानी भर गया और लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद यमुना नदी में भी जलस्तर बढ़ गया है। यमुनानगर में तो नदी किनारे बना अस्थायी पुल ही बह गया। बारिश की वजह से तापमान में गिरावट आई है। दिल्ली में 26.5 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। दिल्ली में 24 घंटे में 16.5 mm बारिश दर्ज की गई है। बारिश से दिल्ली के साकेत, मालवीय नगर, जहांगीरपुरी, मुनिरका और नेहरू प्लेस इलाके में जाम लग गया।
मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में इस पूरे हफ्ते इसी तरह से बारिश होती रहेगी। यूपी के मुरादाबाद में एक शराबी डॉक्टर ने मरीजों को जमकर प्रवचन सुनाए। ज्ञान का पाठ पढ़ाते हुए ये हैं डॉक्टर एस एन तिवारी। डॉक्टर साहब ने अस्पताल में मरीजों को जमकर मुफ्त का ज्ञान बांटा। मुरादाबाद के दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में बतौर मनोरोग विशेषज्ञ तैनात डॉक्टर एस एन तिवारी शराब पीकर इमरजेंसी ड्यूटी पर थे। डॉक्टर साहब ने मोदी योगी से लेकर हिंदू मुस्लिम सर्वधर्म संभाव और भी न जाने कितने टॉपिक पर मरीजों को मुफ्त का ज्ञान दे डाला। बीच बीच में अपने फेवरेट फिल्मी गाने भी गुनगुना डाले। अगर किसी बात का जवाब नहीं दिया तो सिर्फ इसका कि ड्यूटी के टाइम पर पीकर क्यों आए। कैमरे के सामने झूमते हुए डॉक्टर ने पूरे अस्पताल का चक्कर लगा डाला। रास्ते में जो भी मिला उसे अपने ज्ञान का पाठ पढ़ाने लगते। एक मनोरोग विशेषज्ञ की मानसिक स्थिति ही डावाडोल लग रही थी। डॉक्टर तिवारी के इस व्यवहार से अस्पताल प्रशासन नाराज है और कार्रवाई की बात कर रहा है। डॉक्टर साहब आज छुट्टी की उनकी एप्लीकेशन आ गई है, अब जब वो आएंगे उनसे पहले भी हमने लिखित में मांगा है और अभी फिर जब कोई भी अभद्र व्यवहार होगा तो उसके लिए उनसे पहले स्पष्टीकरण मांगा जाएगा, कार्रवाई होगी उसके ऊपर। ड्यूटी पर पीकर आने का डॉक्टर तिवारी का पुराना रिकॉर्ड है। पिछली बार उन्होंने लिखित तौर पर माफी भी मांग ली थी। इस बार फिर उन पर कार्रवाई की तैयारी है और उन्हें नोटिस भेजा जा चुका है।